तो आज मैं आपको इविल नन यूनिवर्स की कहानी बताने वाला हूँ, जिसके अंदर हम इविल नन, आइसक्रीम मैन रोड और मिस्टर मीट की कहानी जानेंगे। ज़्यादा ध्यान तो आइसक्रीम मैन रोड और इविल नन पर होगा, क्योंकि वो उन्हीं से कहानी शुरू हुई है और उन्हीं से ये यूनिवर्स की कहानी ख़त्म भी हो रही है लगभग। सो लेट्स एक्सप्लोर इविल नन यूनिवर्स। तो सिस्टर मैडलिन नन से पहले एक साइंटिस्ट हुआ करती थी, जो पोलैंड के वॉर्सो शहर में अपनी बेटी के साथ रहती थी। लेकिन वहाँ पर युद्ध शुरू हो गया। उस युद्ध के चक्कर में बहुत सारे जगह पर परमाणु हथियार गिराए गए और उन्हीं परमाणु हथियारों के धमाके में उनकी बेटी एलिसा की डेथ हो जाती है। तो वो गम भुलाने के लिए ईगल जूनियर हाई स्कूल के अंदर एज ए नन काम करती है, जो वहाँ पर बच्चों को पढ़ाती थी। उनको हर वक्त अपनी बेटी की याद बहुत सताया करती थी, जिससे वो बहुत परेशान भी रहने लगी। तो उन्होंने एक दिन डिसाइड करा कि भगवान ने अगर मेरी बेटी छीनी तो शैतान मुझे मेरी बेटी वापस ला सकता है। उनके पास तो था पहले से साइंटिफिक दिमाग, वो एक साइंटिस्ट थी। तो उन्होंने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए, पहले तो मुर्गों पे किए, जिससे तो वो तीन मुर्गे बने, गमी, रोस्टल और मिस्टर सी। उसके बाद वो बच्चों पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। अब जिन पे एक्सपेरिमेंट किया करती थी उनके घर एक लेटर भी भेजती थी, ताकि उन पे कोई शक ना करे। अब बात आती है सन 1939, जब एक और बच्चा उसका शिकार बनता है, जो था विलियम बिस्मार्च। वो विलियम बिस्मार्च एकदम परेशान हो जाते हैं कि भाई अब मैं क्या करूँ, कहाँ पे जाऊँ। तो वो चला जाता है सीधा चर्च में ऊपर वाले से प्रे करने के लिए। लेकिन वहाँ चर्च के अंदर उसको मिलती है एक मिरेकल रेसिपी। तो वो सोचता है कि शायद उससे कुछ हो जाए, तो वो उस मिरेकल रेसिपी को क्राफ्ट करता है। तो उस रेसिपी से एक पोशन बना। तीनों म्यूटेंट मुर्गों को और इविल नन को एक जगह बुलाकर वो उनके मुंह पर उस रेसिपी को ब्लास्ट कर देता है। अब ये मुर्गे नॉर्मल तो हुए थे, लेकिन मेंटली नॉर्मल नहीं थे, मेंटली थोड़े स्मार्ट थे। तो ये जाते हैं कहीं पर, कहीं तो जाते हैं, तो उनका पीछा करते करते विलियम भी चला जाता है उनके पीछे एटिक तक। अब वहाँ पर देखता है कि एक मुर्गा ज़मीन पर चोंच मार रहा है और बाकी के दो मुर्गे जो है कहीं पर जाने की कोशिश कर रहे थे, वो चढ़ने की कोशिश कर रहे थे क्रॉस के ऊपर। एक क्रॉस की रस्सी जो है टूटी फूटी पड़ी हुई थी और एक क्रॉस तो सही सलामत था। तो वो विलियम उन दोनों मुर्गों को जैसे तैसे क्या आराम से उन क्रॉस के ऊपर चढ़ा देता है। अब क्रॉस के ऊपर चढ़ने के बाद वो मुर्गे इतने उछल कूद करते हैं कि वो क्रॉस नीचे गिर जाता है। अब वो भारी था तो सीधा फ्लोर तोड़ते हुए निचले फ्लोर पर चला जाता है और जाके सीधा उस रूम में जहाँ पर इविल नन बच्चों को कैद करा करती थी, वहाँ पर जाके उल्टा लटक जाता है। उल्टा लटका हुआ क्रॉस देखकर इविल नन रोना स्टार्ट कर देते, क्योंकि उल्टा लटका हुआ क्रॉस, भाई उल्टा क्रॉस अपशकुन माना जाता है। तो उसका रोना धोना देखकर प्रकट होता है एक शैतान। तुम्हारी इतनी सारी कोशिशों और मेहनत ने मुझे यहाँ पर आने के लिए मजबूर कर दिया। सो लो, मैं आ गया। मेरा नाम है नजरात। क्या तुम एक अच्छी जिम्मेदार औरत बिल्कुल भी नहीं हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे पास समय है अच्छे कर्म करके मोक्ष प्राप्ति करने का। मैं कुदरत के खिलाफ जाकर तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकता हूँ, पर उसके बदले में मुझे तुमसे कुछ चाहिए। हाँ हाँ, मैं पूरी आपकी हूँ। मैंने तुम्हें मेरी पत्नी बनने के लिए नहीं कहा। हाँ, पर तुम अपनी जिंदगी के 40 साल मुझे दे सकती हो। हाँ, मैं तैयार हूँ, अगर तुम एलिसा को मेरी जिंदगी में वापस ला सकते हो तो शुरुआत आज से करो। तुम्हें एक अच्छी जिम्मेदार माँ और एक अच्छा इंसान बनना होगा। तुम इस स्कूल को बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती, और गर्मी हो या सर्दी तुम्हें हमेशा मेरी पूजा करनी होगी। मैं तैयार हूँ, अगर तुम एलिसा को वापस जिंदा कर सकते हो तो। पर मैं तुम्हें मेरे नियम तोड़ने के अंजाम के बारे में आगाह कर दूं। अगर तुमने मेरे नियम तोड़े तो तुम्हें तुरंत बदकिस्मती का सामना करना होगा। अगर तुम एक अच्छी माँ नहीं बन पाई तो तुम बदसूरत हो जाओगी। अगर मेरी पूजा तुम नहीं कर पाई तो तुम अपनी विवेक बुद्धि को खो दोगी, और इन 40 सालों के अंदर अगर तुमने स्कूल के बाहर रखा जरा भी एक हाथ तो तुम्हारे बच्चे को मिलेगी एक खतरनाक और भयानक मौत। मैं तैयार हूँ,
हाँ मैं तैयार हूँ। I am capable. So be it. Get on your feet. Oh, a miracle! It's a miracle! Miracle! अब ये देख के इविल नन बेहोश हो जाती है और ग्रेल उछल के उसके पास आ जाता है और जिससे सारा नीला पानी विलियम के हाथों और पूरे शरीर पर लग जाता है और तब से वो कहलाया जाता है द ब्लू हैंडेड चाइल्ड। अब उसके बाद 1940 में सिस्टर मेडलिन की कोख से पैदा होता है एक लड़का जो कि एक्चुअल में एलिसा की ही इच्छा थी। अगर पहली जो इविल नन 2 की स्टार्टिंग की जो कविता है वो ज़रा ध्यान से सुनना, उसने खुद बोला है आई विल बी योर सन। अब ये देख के तो सब लोग चौंक जाते हैं कि ये कैसे हो गया भाई। हाय अब साल आता है 1943। अब यहाँ पर इविल नन उल्टी सीधी पागलों वाली हरकतें कर रही होती है, जैसे कि वो लड़का है रोड, उसको लड़कियों के कपड़े पहना रही है। नहीं मतलब ये चल क्या रहा है भाई, वो लड़का है भाई, उसको लड़कियों वाले कपड़े क्यों पहना रही है? वो इसीलिए क्योंकि उसे उस शैतान का नाम ही नहीं मालूम जिसने भैया उसको उसकी बेटी वापस दी, उसका नाम तक नहीं पूछा। My name is Nazrat. Naz, what? इसी वॉट ने मैडम के दिमाग की वाट लगा डाली। अभी बाकी नंस के तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये नन ऐसी पागलों वाली हरकतें क्यों कर रही है, सिस्टर मेडलिन उल्टी सीधी पागलों वाली हरकतें क्यों कर रही है भाई, वो लड़का है उसको उल्टी सीधी लड़कियों की वजह से ट्रीट करना और उसको बार बार एक कमरे के अंदर बंद करके रखना, घूमने फिरने बाहर जाने बिल्कुल भी नहीं देना। इस हरकतों की वजह से जो है सब लोगों को सवाल दिमाग में आ गया सब लोगों की कि ये हो क्या रहा है। इसका जवाब तो सिर्फ एक ही बंदे को पता था, वो था विलियम बिस्मार्क। तो विलियम बिस्मार्क मदर पई के रूम के अंदर जाके उनके बोर्ड पर एक मैसेज लिख देता है उनको मिलने के लिए, लेकिन मदर पई तो स्कूल के अंदर अवेलेबल होती ही नहीं है, वो एक ज़रूरी काम से जो है स्कूल के बाहर चली जाती है। तो वो सिस्टर एंडा के पास जाता है, उसके कमरे में जाता है और उसे जल्द से जल्द चर्च के अंदर सभी नंस को बुलाने के लिए कहता है। उसके बाद चर्च में तुरंत एक मीटिंग बुलाई जाती है, टॉपिक था बापों में डिमन टॉक्स। वहाँ पर विलियम बिस्मार्क उनको पूरी परिस्थिति समझाता है कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, क्योंकि उनको खुद को नहीं मालूम होता है कि ये पागलों वाली हरकतें क्यों कर रही है। वो बताता है कि उसने शर्त तोड़ दी, नजरात की पूजा करने के बजाय बापोमेट नाम के शैतान की पूजा करने लग गई और उसको समझाने की कोशिश भी करी तो वो समझ नहीं रही है। तो यही हरकतें हो रही है, तो अगर हमने कुछ नहीं किया तो उसकी ज़िंदगी का सत्यानाश सवा सत्यानाश कर देगी। तो उस बच्चे की ज़िंदगी के खातिर वो तय करते हैं कि इस बच्चे को यहाँ से बाहर निकाले। अब निकाले तो कैसे निकाले भाई, क्या करें? अब वो बच्चा तो इधर चर्च में घूम रहा होता है, वो नन की आवाज़ सुन के जाता है सीधा कबड़ के अंदर, अपने छोटे छोटे नन्हे नन्हे पैरों से जाके छुप जाता है। अब इविल नन तो उसको ढूंढते ढूंढते चर्च में चले जाते। अब वो बच्चा मम्मा मम्मा करते हुए उसके पीछे जा रहा होता है, लेकिन तभी सिस्टर अंडा उसको पकड़ लेती है। डरो मत बच्चे, मैं यहाँ तुम्हें नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं आई हूँ, तुम्हें बस कहीं सेफ रखना चाहती हो, आओ मेरे साथ। अब चर्च में जो है इविल नन का बाकी सारे नंस के साथ झगड़ा हो जाता है, वो सीधा एटिक में आ जाती है झगड़ते हुए कि उनकी हिम्मत कैसे हुई बापोमेट के नाम पर दाग लगाने की, मैंने किताब में पढ़ा था, वो झूठ नहीं हो सकती, शायद मुझे और भी किताबें पढ़नी चाहिए। ये बोल के वो एटिक में चली जाती है, उसको गाड़ी की आवाज़ आती है तो वो खिड़की से झांकने लग जाती है कि उधर चल क्या रहा है। वहाँ पर बाकी की सारी नंस उस बच्चे के साथ खड़ी होती है। जोसेफ सुलेमान, तुम्हें इस बच्ची को अपने साथ यहाँ से लेके जाना होगा। क्या? अरे मैं इसको नहीं संभाल सकता। जाओ बेटा आइसक्रीम अंकल के पास। नहीं, मैं नहीं बच्चा संभाल सकता, मैं इसको नहीं संभाल सकता। बदले में मैं तुम्हें इविल नन की रिसर्च दूंगी। डील तो अच्छी है, ठीक है लाओ वो किताब, कहाँ पर रिसर्च? चलो मिल गई किताब, ठीक है फिर मैं इसका अच्छे से ख्याल रखूंगा। आओ बेटा मेरे साथ, चलो मैं आपको आइसक्रीम खिलाता हूँ।
unforgivable sin. My baby is gone, and I can't leave school. I promised Baphomet. अब ये देख के तो रोना और चिल्लाना दोनों स्टार्ट कर देती है, क्योंकि उसे एक जिम्मेदार माँ भी बनना था। अब वो भी बन नहीं सकती और वो उसकी स्कूल भी नहीं छोड़ सकती, और वो हमेशा उसकी पूजा करती है। पूजा किसकी करती है? बाफोमेट की। नजरात ने वरदान दिया था। अब ये सोच के ना, अब ये तो उसको पता नहीं था, उसको नाम पता नहीं था, तो वो पागल हो गई थी। तो उसको इतना ज़्यादा गुस्सा आता है, वहाँ पर कबर्ड में पड़ा हुआ एक हैमर जो है, उसको कबर्ड को खोल के हैमर उठाती है और फिर हथौड़ा लेके चिल्लाती है, तुम सभी नंस ने ये क्या किया? I'll kill you all. अब समय आता है सन 1944, जब विलियम बिस्मार्क अपने सपने में होता है और अपने आप से बातें कर रहा होता है। यहाँ पर आग वाला शैतान भी देखा। इन 5 सालों में वो बच्चा भी बड़ा हो गया, सारी नंस भी गायब हो गई, और मैं लगभग भूखा प्यासा यहाँ पर घूम रहा हूँ। मैं यहाँ से बहुत पहले ही भाग सकता था, लेकिन मैं यहाँ से अभी नहीं जा सकता। जो गड़बड़ मैंने की है मुझे ही फिक्स करनी होगी। मैं एक नंबर का गधा हूँ जिसने इविल नन का रिचुअल कंप्लीट करने में मदद करी। मेरी मदद कौन करेगा? ये मैं कहाँ पर हूँ? और तुमने बात करी? तुम कोई साधारण कप नहीं हो, है ना? उसके बाद उसके सामने 3 सांप के सर वाला एक अजीबोगरीब बर्तन प्रकट हो जाता है, जिसके पहले सांप के मुंह से जो पानी टपक रहा होता है। तो वो सोचता है कि मैं जो कर रहा हूँ शायद सही कर रहा हूँ, करना पड़ेगा अभी। तो वो उस ग्रेल को उसके नीचे रख देता है। तो फिर हमारे बीच में सौदा हो गया। Hey, wait! Don't go! हम फिर मिलेंगे। अब ये देख के तो विलियम बोलता है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये चल क्या रहा है? जैसे कि वो 3 मुर्गी मैंने उनको ठीक तो कर दिया था ना, और वो तीसरा मुर्गा, ये बोलने के बाद एक म्यूटेंट मुर्गे की आवाज सुनाई देती है, जो एक्चुअल में नॉर्मल मुर्गा था। शायद नॉर्मल मुर्गे ने बांग दी होगी, उसको म्यूटेंट मुर्गा लग गया, और उसके बाद वो नींद से उठ जाता है। तो कहानी बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए इस वीडियो को हमें यहीं पर रोकना होगा। तो ये बस इस वीडियो का पार्ट 1 है। पार्ट 2 मैं जल्दी लाने की कोशिश करूँगा, अगर वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आया तो। अगर ये आपको वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मैं मिलूँगा आपसे ऐसी किसी मज़ेदार धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।